कि मैं नहीं, आप हमें समय दे दीजिए, थोड़ा सा मैं भी अपनी बात रख लूं। और इन्होंने कहा कि इनको कहीं जाना है, तो मैं बता दूं मुझे कहां जाना है। साथियों, रात से ही पेट गड़बड़ है, हमने कहा गुड़गुड़ाहट हो रही है, हो सकता है हमें कहीं जाना। साथियों देखिए, बहुत सारी बातें खुलकर आपके सामने हमारे साथी भाइयों ने रखा। एक चीज हमको ये भी पता लगी कि हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय जी की कुर्सी चली गई, तो मैं कहना चाहूंगा कि महोदय की कुर्सी गई है, लेकिन हमारे प्रक्षेत्रों में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जब इनकी कुर्सियां जाएंगी तब हमको सुकून मिलेगा। साथियों, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इसी तरीके से ये अपनी जंग अगर यहां जारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से इनकी भी कुर्सियां जाना तय है, जाएगी। और जब इनकी कुर्सियां जाएंगी दो चार की संख्या में, तो जानते हो क्या कहेंगे, ये जब बैठेंगे, अभी तो हमारे साथियों की कुर्सियां गई है, निलंबन हुआ है, जब इनकी कुर्सियां जाएंगी तो ये जब इकट्ठा होंगे, जानते हो क्या कहेंगे, लता मंगेशकर जी ने वो सुर बनाया था, जानते हो क्या बात करेंगे, करेंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये कहेंगे। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी समय एक नारा दिया था, वो नारा था स्वच्छ भारत, दिया था कि नहीं दिया था, स्वच्छ भारत का नारा दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये व्यवस्था बनाई कि हमारा भारत स्वच्छता की श्रेणी में आ जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस क्रांतिकारी धरती पे स्वच्छता ग्रही आंदोलन रहता है कि नहीं है, है ना? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ये बहुत प्रिय होती है कि स्वच्छता ग्रही जो स्वच्छ भारत का मिशन कामयाब करने के लिए आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़ा है, वो तो मारा ही यहाँ धरना कर रहा है, पीड़ित है, शोषित है। तो महोदय, आपका वो मिशन बढ़िया से स्वच्छता का जो मिशन है उस पर ध्यान दृष्टि डालिए, उन स्वच्छता ग्रहियों को उनका अधिकार दीजिए। मैं अभी कहना चाहूंगा, इसी कड़ी में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा और दिया, वो कौन सा नारा था, मैं बता रहा हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भैया, 800 करोड़ घोटाला आएगा, कैसे आएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या ये नारा सही है? साथियों, इस तरीके से यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे प्रदेश के मुखिया जो बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, मैं एक कहूंगा कि माननीय महोदय, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जो खा के बैठ गए हैं 800 करोड़ रुपया, उनके ऊपर आपका बुलडोजर कब चलेगा? साथियों, उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
तीसरा नारा दे दिया, दो तो जमीन पे उतार नहीं पाए। उन्होंने तीसरे नारे का ऐलान कर दिया। वो कौन सा नारा था मैं बता रहा हूं, सबका 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 साथ सबका विकास। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया बाबा बिल्डोजर जी को मैं ये संज्ञानित कराना चाहता हूं कि महोदय ये स्मारक परिवार 45 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा है। आप देखिए आपका नारा क्या सही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या ये आपका विकास है? क्या ये सबका साथ ये विकास है? देखिए इस स्मारक परिवार 45 दिन से भूखा प्यासा तड़प रहा है। साथियों कभी कभी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, हमारे कर्मचारी भाई साथीगण इधर उधर दाएं बाएं खड़े रहते हैं, उनको कहा जाता है कि सामने आके बैठे, नहीं बैठते। मैं भी मानता हूं हमारे देश में जब आजादी आई थी तो आजादी लाने वाले चंद ही लोग थे, साथ सभी ले, लेकिन जो असली लड़ाई लड़ी उसमें कुछ चंद ही लोग थे। ठीक है, मैं भी मानता हूँ जो साहसी हैं, हिम्मती हैं, वो आज हमारे सामने बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि मीडिया या तो हमारे साथी भाई बैठ के जो वीडियो क्लिप बनाते हैं, कहीं ये मैसेज क्लिप के द्वारा अधिकारियों तक पहुंचता है तो हो सकता है हमारा वेतन कट जाए। साथियों मैं भी मानता हूं डर होना भी चाहिए, लेकिन डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने हम अधिकारों को भी ना कह सके ना मांग सके, ऐसा जो है डर नहीं होना चाहिए। डर होना चाहिए तो ऐसा डर होना चाहिए कि यदि डरने से हमें सम्मान मिल जाए तब वो डर जाए जाए, तब वो डर होना चाहिए। नहीं तो हक और अधिकार के लिए यदि लड़ना पड़े तो ऐसा डर कतई नहीं होना चाहिए। साथियों मैं समझ सकता हूं हमारी नारी शक्ति बहने सबसे आगे बैठी रहती हैं, लेकिन हमारे नौजवान साथी वो बैठना नहीं चाहते। अभी संचालक महोदय ने कहा कि अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं सबके घुटनों का टेस्ट करा दूंगा। साथियों मैं कहूंगा घुटनों की जांच हम नहीं कराएंगे ना कहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस स्मारक में इतना ज्यादा पीड़ित हो गए कि हमको जवान से बूढ़ा बना दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि महोदय मैं अपने अध्यक्ष महोदय कि वो बात मैं अपने स्तर से अगर रखना हुआ तो मैं ये रखूंगा कि महोदय 12 साल से हम बूढ़े थे लेकिन लड़ते लड़ते जवान हो गए। बूढ़े नहीं हुए, अगर बूढ़े हो गए होते तो हमें लड़ने की क्षमता ना होती। हम जवान हैं और जवान तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगों का आदेश नहीं जारी हो जाता।